Hulk! बेटे जो ये बला बड़ी हुई है ना घर में, अच्छा इसको 7 साल हो गई, ये अब की नहीं कभी सोच रहा है अभी नहीं। बच्चे चोट किसका लगी थी घर में? चोट तो जी मेरे ही लगी थी जी। ज्यादा लगी थी बच्चे? हाँ जी लगी थी। बेटा घर का बारो बाट हो रहा है ना, घर का है ना बाहर का है, चारो खाने चित हो रहे बच्चे। और जो ये नाश करता वही औरत है जो इतने घर का नाश हो रहा है बच्चे, ये किसी औरत का कर्म छिड़वाया हुआ। और ये तीन चीजें है तेरे शरीर के अंदर, अच्छा जी ठीक। हाँ जी कौन सी बात है बेटा? एक तो प्रेत, अच्छा जी ठीक। हाँ जी और एक जिन, अच्छा जी और एक मरी हुई औरत लगी हुई है। शोपन दिखते हैं बेटे? हाँ जी बहुत। शरीर पे दबाव होता है? हाँ जी। बैठे बैठे सारे शरीर में से बदबू आनी शुरू हो जाती है, दिमाग घूम जाता है बैठे बटाए। बोल मेरे कलकत्ते धाम की जय। दरबार में पहली बार आया बेटे? हाँ माता जी। किसी ने बताया था या कैसे आया? बस उस पे देखा था जी, यूट्यूब पे देखा था माता जी, मोबाइल पे देखा था जी। एक काम करिए बेटे, हाँ जी लिख बच्चे समान 5 पताशे, 5 लौंग, सिंदूर की डिब्बी, 2 नींबू और 5 पेड़े, ये सामान अपने घर में से लेके सभी के ऊपर सेवा के इसको चौराहे में रख देना बच्चे, और शनिवार के दिन मेरा गहना रख देना, मेरा नारियल चुन्नी श्रृंगार 11 रुपये 2 सुपारी लौंग का चौका, ये उठा के मेरा गहना रख देना शनिवार को, जब ठीक होता है ठीक है। हाँ अगले दरबार में माता जी बहुत बदबू, बदबू से परेशान हूँ मैं तो, और गंदी हरकत होती मेरे साथ। बता तो रही हूँ भाई, और किस तरह बता रही हूँ मैं, बता रही हूँ एक प्रेत है, एक जिन है, एक औरत है, जो सारी गड़बड़ी हो रही है उसकी वजह से हो रहा है। ये औरत का करवाया हुआ यार, इस चीज को 7 साल हो गए बच्चे। झूठ बोल रही हूँ तो बोल, माते ने झूठ बोला। सही माता जी आप तो सुख पता है। ये तबीज उच्चा ऊपर से वार की 7 बार जलाने हैं 3 दिन तक, और ये तबीज भी बहुत दो बच्चा।